नमस्कार मित्रों, आज हम जानेंगे स्वामी विवेकानंद के जीवन के बारे में। भारतीय नवजागरण के आंदोलन के सूत्रधारों में स्वामी विवेकानंद जी का नाम आता है। उन्होंने भारत के अतिरिक्त विदेशों में भी आध्यात्मिक एवं भारतीय धर्म संस्कृति का प्रचार एवं प्रसार किया। उन्होंने अपने गुरु से प्राप्त आध्यात्मिक साधना के माध्यम से धर्म जगत में एक नव द्वार का उद्घाटन किया। उन्होंने लोगों को बताया कि संसार में सबसे ऊपर मनुष्य है। उन्होंने मुक्ति की साधना कर एक नया पंथ परिधान भारतवासियों को दिया। विश्व बंधुत्व तथा मानव सेवा का सर्वप्रथम बीज बोने वाले नरेंद्रनाथ ही थे, जिन्होंने प्रत्येक मानव को शिव के रूप में देखा। जन्म एवं पारिवारिक परिचय। स्वामी विवेकानंद का जन्म कलकत्ता में 12 जनवरी सन 1863 को हुआ था। इनके पिता का नाम विश्वनाथ तथा माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। इनकी माता बड़ी ही सुशिक्षित तथा शालीनता संपन्न महिला थी। इनके पिता श्री विश्वनाथ दत्त भी स्वच्छंद प्रवृत्ति के मालिक थे। परिवार के कुछ लोग इनका नाम दुर्गादास रखना चाहते थे, परंतु माता के आग्रह पर इनका नाम वीरेश्वर रखा गया। परिवार के सभी लोग प्यार से इन्हें वीर कहते थे। नामकरण संस्कार के समय इनका नाम नरेंद्रनाथ रखा गया। आगे चलकर यह इसी नाम से प्रसिद्ध हुए। बालक नरेंद्र बचपन से ही प्रतिभाशाली थे। वह एक अच्छे तैराक, कुशल अश्वारोही, गुल्ली डंडा, दौड़, मुक्केबाजी, लाठी तलवार आदि कार्यों में सिद्धहस्त थे। अखाड़े में नित्य कुश्ती लड़ने जाया करते थे। शिक्षा। जब 5 वर्ष के थे तब इनकी शिक्षा प्रारंभ हुई। वह अत्यंत ही कुशाग्र बुद्धि के कारण सभी विषयों को आसानी से ग्रहण कर लेते थे। 14 वर्ष की आयु में बीमारी के कारण यह अपने पिता के पास मध्य प्रदेश में आकर रहने लगे। इनके पिता किताबी शिक्षा के साथ व्यावहारिक शिक्षा भी इन्हें देते थे। 2 वर्ष रायपुर रहने के पश्चात वह वापस कलकत्ता आ गए। उन्होंने अंग्रेजी स्कूलों में शिक्षा प्राप्त की। सन 1884 ईस्वी में उन्होंने बीए की डिग्री प्राप्त की। कॉलेज में विज्ञान, ज्योतिष, गणित, दर्शन, भारतीय तथा यूरोपीय भाषाओं पर समान अधिकार प्राप्त कर उन्होंने सभी को चकित कर दिया। उन्होंने वेदांत के साथ दूसरे आध्यात्मिक ग्रंथों का भी अध्ययन किया। अब हम जानेंगे कि स्वामी विवेकानंद किस प्रकार स्वामी रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आए। 17-18 वर्ष की आयु तक वे सैद्धांतिक चिंतन मनन में संलग्न रहे, किंतु कोई निश्चित मार्ग नहीं अपना सके। कुछ दिनों तक वे ब्रह्म समाज के अनुयायी रहे, परंतु यहाँ भी आध्यात्मिकता की भूख शांत न हो सकी। काम करते हुए एक बार नरेंद्र ने महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर से पूछा था, महाशय क्या आपने ईश्वर को देखा है? महर्षि इस प्रश्न के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा, तुम्हारे नेत्र योगियों की तरह है। अपने प्रश्न का यह उत्तर पाकर उन्हें बड़ी निराशा हुई। वे ऐसे महापुरुष की तलाश करने लगे जो यह कह सके कि मैंने ईश्वर को देखा है। ब्रह्म समाज के आडंबर से उनका मन तृप्त नहीं हुआ था। यह संस्था तो केवल समाज सुधार के लिए सक्रिय रहती है, सत्य वस्तु की प्राप्ति के लिए कुछ नहीं करती। रामकृष्ण के संपर्क में आने के कारण उनको ज्ञान पिपाशा थी। जिस प्रकार संसार की समस्त नदियां समुद्र में जाकर मिलती है, ठीक उसी प्रकार उन्हें अपने इष्ट से मिलना था। परमहंस जी ने कहा था, मेरा नरेंद्र सामान्य मानव नहीं है, वह ब्रह्मलोक का ऋषि है। उसमें वाल्मीकि, बुद्ध,
शंकर तथा नेपोलियन की आत्माएं प्रवेश कर गई है। उन दिनों स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के प्रति लोगों की बड़ी श्रद्धा थी। नवंबर 1880 में इनकी भेंट रामकृष्ण जी से पहली बार हुई। पहली ही भेंट में रामकृष्ण परमहंस ने इनको पहचान लिया और इन्हें कहा कि मैं बहुत दिनों से तुम्हारी राह देख रहा था और चाह रहा था कि मैं अपनी आत्मा की आंतरिक अनुभूतियों को किसी योग्य पात्र को सौंप सकूं। नरेंद्र को भी रामकृष्ण परमहंस जी को सद्गुरु की प्राप्ति हो चुकी थी। नरेंद्र ने परमहंस जी से निवेदन किया कि मुझे शांति चाहिए। कुछ दिनों पश्चात नरेंद्र के पिता की मृत्यु हो गई और परिवार के भरण पोषण का दायित्व नरेंद्र पर आ पड़ा। उन्होंने अपने लिए एक नौकरी भी की। परिवार के दायित्व के साथ साथ परमहंस जी से भी मिलते रहे। परमहंस जी की कृपा से उन्हें समाधि की अवस्था प्राप्त हुई और ईश्वर को साकार रूप में निर्विकल्प समाधि तक पहुंच गए। इनका अभ्यास और वैराग्य दृढ़ होता चला गया। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने अपनी मृत्यु से 3-4 दिन पूर्व स्वामी विवेकानंद को बुलाकर कहा कि आज से मैंने अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया है। आज से इस शक्ति से तुम संसार का बहुत सा हित कर सकोगे और सभी कार्यों को पूरा करोगे। हिमालय भ्रमण। स्वामी रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु के उपरांत वे एक साधना केंद्र चलाने लगे तथा अपने साथियों और शिष्यों सहित आध्यात्मिक भगवत भजन में लगे रहे। 5 वर्ष के बाद सन 1981 में वे अपनी मित्र मंडली को लेकर भ्रमण करने के लिए हिमालय की ओर निकल पड़े। वह विभिन्न सिद्ध महात्माओं के सत्संग का लाभ उठाते हुए चित्त की शुद्धि में लगे रहे। इस समय उनकी वेदांत में दृढ़ आस्था हो गई थी। भारत में विभिन्न प्रांतों में उनके शिष्यों की संख्या बहुत अधिक हो गई थी। विदेश यात्रा एवं विशिष्ट घटनाएं। जब खेतड़ी नरेश को यह मालूम हुआ कि स्वामी विवेकानंद विदेश जाना चाहते हैं, तब उन्हें सारा प्रबंध कर दिया। स्वामी जी लंका, सिंगापुर, हांगकांग, नागासाकी, ओसाका, टोक्यो होते हुए कनाडा गए और वहां से शिकागो पहुंचे। यात्रा में बराबर गुरुदेव का आशीर्वाद मिलता रहा। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जे एच राइट आपके भाषणों से इतने प्रभावित हुए कि तुरंत आगामी सितंबर माह में होने वाले धर्म सभा में भाषण देने के लिए आपको अवसर दिलाया। 14 सितंबर 1893 ईस्वी के दिन एक ऐतिहासिक घटना घटी। उस दिन भारत के इस महान संत ने संसार के सभी धर्म के प्रतिनिधियों को हिलाकर रख दिया। सभी देशों के प्रतिनिधि अपना अपना भाषण लिखकर लाए थे। केवल स्वामी विवेकानंद ने अलिखित भाषण दिया था। उन्होंने पाश्चात्य परंपरा के विरुद्ध मेरे अमेरिकी निवासी भाइयों तथा बहनों कहकर जैसे ही संबोधन किया, वैसे ही हॉल के अधिकांश लोग खड़े होकर इस महान संत के सम्मान में कई मिनट तक तालियां बजाते रहे। अमेरिका के इतिहास में इस प्रकार की पहली घटना थी। तभी लोगों के अंतर के तार झंकृत उठे। विवेकानंद की वाणी ने कमाल कर दिखाया। इस भाषण में भगवत गीता और उपनिषदों के ज्ञान का सारांश प्रस्तुत किया गया। अमेरिका में स्वामी जी के भक्तों की संख्या दिनों दिन बढ़ती गई। वहां ये लगभग 3 वर्ष और 16 सितंबर 1996 में स्वदेश लौट आए। स्वदेश लौटने पर इन्होंने फिर अपना प्रचार कार्य प्रारंभ किया। इस बीच उन्होंने 2 मठों की स्थापना की। अब हम जानेंगे स्वामी विवेकानंद की द्वारा की गई स्थापनाएं।
मई सन 1997 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य था वेदांत प्रचार प्रसार और लोक सेवा। इस बीच भारत में महामारी का प्रकोप हुआ तो स्वामी जी ने सन्यासियों की एक मंडली सेवा कार्य में लगा दी। इन्होंने कई अनाथालय और वेदांत प्रचार के लिए विद्यालय भी खोले। विदेशों में चलाए गए आंदोलन की प्रगति को देखने के लिए इन्होंने पुनः पश्चिमी देशों की यात्रा की। इस बार लंदन में रुकते हुए वे अमेरिका पहुंचे। विदेशों में भी विभिन्न नगरों में इन्होंने वेदांत केंद्र स्थापित किए। स्वामी जी का आदर्श उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक मंजिल प्राप्त ना हो जाए अनेक युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। अंतिम समय, इसके एक वर्ष बाद सन 1998 ये वापस भारत आ गए और सांसारिक कार्यों में उदासीन रहने लगे। अत्यधिक परिश्रम के कारण स्वामी जी का स्वास्थ्य बहुत गिर गया। इन दिनों वे अक्सर समाधि में लीन रहते थे। 4 जुलाई सन 1902 में केवल 39 वर्ष की आयु में स्वामी विवेकानंद जी समाधि में लीन रहे। उसके बाद शिष्यों को व्याकरण पढ़ाया और वेदोपदेश दिया, फिर भ्रमण पर चले गए। लौटने के कुछ देर बाद माला जपी, फिर समाधि की अवस्था में इस पंच भौतिक शरीर को त्याग दिया। अपने कार्यों के कारण वे सदा सर्वदा के लिए भारत की धरोहर के रूप में अमर हो गए। स्वामी विवेकानंद ने स्वामी रामकृष्ण परमहंस के उस सिद्धांत को सर्वत्र प्रचारित किया जिसमें कहा गया है कि सर्वधर्म समन्वय। वे बराबर भगवान से यही प्रार्थना करते थे, भगवान मेरे देश के निवासियों को मनुष्य बनाओ। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, शरीर और आत्मा मिलकर मनुष्य बनते हैं। शरीर तुच्छ नहीं है, शरीर आत्मा का मंदिर है। सुंदर विग्रह के रहने पर सोने पर सुहागा होता है, इसीलिए शरीर मंदिर को स्वच्छ बनाओ। हमारे पूर्वज कह गए हैं कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, देह मंदिर और विग्रह आत्मा है, आत्मा ही ईश्वर है। आत्म के प्रति अविश्वास का अर्थ है नास्तिकता। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनकी शिक्षा में सर्वोपरि शिक्षा है मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। इस प्रकार हमने स्वामी विवेकानंद के जीवन के बारे में जाना। अगली कड़ी में हम जानेंगे श्री अरविंद घोष के जीवन के बारे में। धन्यवाद।